लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार शुभ नहीं लग रहा है। सिंधिया के खिलाफ बगावत तेज हो गई है और सिंधिया के गढ़ में ही इस बार बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। पूर्व भाजपा विधायक के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो भी 500 गाड़ियों का काफिला निकला। उस काफिले के साथ पूर्व भाजपा विधायक के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए, जहां उनके स्वागत के लिए पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन समेत तमाम ऐसे बड़े नेता वहां मौजूद थे। उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे के स्वागत में, तो जरा सोचिए सिंधिया के गढ़ में कितना बड़ा झटका लगा होगा जिसके स्वागत में कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता खड़े हो गए होंगे। पूर्व विधायक अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह समझिए कि वो बीजेपी के काफी धाकड़ नेता थे, कई बार चुनाव वहां जीत चुके थे, 3-3 बार के विधायक रहे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद यह सियासी चर्चा होने लगी है, क्या सिंधिया के रहते भारतीय जनता पार्टी को और भी बड़ा झटका देखना पड़ेगा। इस संबंध में एक खबर दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। इसमें बताया गया है, पूर्व भाजपा विधायक के बेटे और समर्थक कांग्रेस में शामिल। बोले, सिंधिया के आने से उपेक्षा हो रही, 500 गाड़ियों का काफिला साथ आया। इतने बड़े तामझाम के साथ अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसके कद का अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के बड़े नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा है। ऐसे में वो भाजपा के लिए खूब मेहनत किए थे इनके पिताजी स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव। ऐसे में अब उनके बेटे ने पार्टी में उपेक्षित होकर कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि बीजेपी में सिंधिया के आने के बाद सिंधिया के गढ़ में ऐसे नेताओं की पूछ वहां कम होने लगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बागेश्वर अपनाने वाले काफी संख्या में हो गए। हाल ही में भी खबर आई थी कि कैसे भाजपा के सांसद केपी यादव ने खुले मंच से सिंधिया को ललकार दिया था, क्या नहीं कहा था, वो सब हम आपको आगे एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन अभी इस खबर पे जरा फोकस करते हैं कि कैसे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव भी अब बीजेपी से खफा होकर कांग्रेस में चले गए हैं। क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर संभाग यानी सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को झटका लगा है। अशोक नगर की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल में कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। यादवेंद्र के साथ उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। वे 500 गाड़ियों का काफिला लेकर आए थे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि वो पंचायत स्तर पर अभी पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पत्नी और वो खुद अभी पंचायत में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, पार्टी को वहां पर आकार दिया, अब उनके परिवार की वहां पर उपेक्षा हो रही है। इसके चलते ही उन्होंने पूरा ठीकरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ दिया और अब वे सब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि पीसीसी में यादवेंद्र ने कहा, मेरे पिता ने भाजपा को खड़ा करने में बहुत मेहनत की, वर्तमान में मैं, मेरी पत्नी और माँ जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे परिवार ने भाजपा की सेवा की, लेकिन जब से सिंधिया भाजपा में आए पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, अशोक नगर में स्थिति यह हो गई कि SC ST आदिवासियों से जमीन छीन ली गई, 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिनके पास कभी चुनाव के लिए पैसा नहीं था, आज वे करोड़ों के मालिक हैं।
इससे मन व्यथित था, हमसे जुड़े लोगों को केस लगाकर अंदर किया जा रहा था, अंदर से घुट रहा था। समर्थकों से बात की तो बोले हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा की विचारधारा अब नहीं बची, सभी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। अब जरा देखिए ये कितनी बड़ी बात है। वहीं इनके भाई भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि मेरे 2 लाख भाई बहन हैं, सिर्फ अजय ही क्यों। फिर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करेगी तो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पत्रकारों ने वहां सवाल पूछा था यादवेंद्र सिंह यादव से, क्या आप चुनावी मैदान में सिंधिया के खिलाफ 1-to-1 करेंगे, क्या फाइट होगी क्या। लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि कांग्रेस के निर्देश का इंतजार किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ ही जब बगावत हो गई है तो ऐसे में कई नेताओं की लंबी लिस्ट है जो सिंधिया के आने से खुश नहीं है, खास करके ग्वालियर का वो गढ़ जहां पर भाजपा सिंधिया के खिलाफ पॉलिटिक्स करती थी, उसमें कई नेता उस लाइन में थे। और जब सबका मर्जर हो गया तो उन लोगों के पॉलिटिक्स पर असर पड़ने लगा, ऐसे में बगावत तो देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। अब जरा केपी सिंह यादव को ही देख लीजिए, उन्होंने उस वक्त क्या टिप्पणी की थी, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एमपी तक की खबर है। इसमें केपी यादव ने कहा था, गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव यादव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां तो उन्होंने खुलकर ही बोल दिया कि क्षेत्र में पहले वाले सांसद तो अपनी गाड़ी का कांच तक नीचे नहीं करते थे, मैं तो जितना भी समय मिला है उसे आप लोगों के बीच बिता रहा हूं और आपके ही बीच रहूंगा। गुना सांसद ने साफ कहा कि यहां के कुछ लोगों को मैं रास नहीं आ रहा हूं, पिछड़े वर्ग का सांसद बनने से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे खिलाफ साजिश रची जाती है, लेकिन हम कृष्ण के वंशज हैं, इतिहास भी हम ही बनाएंगे। यहां सांसद ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों पर निशाना साधा। ये सीधा जो है बगावत की ओर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी अब इंटरनल पॉलिटिक्स में ही उलझती हुई दिखाई पड़ने लगी है। और यहां सिंधिया के आ जाने से तमाम उन नेताओं में नाराजगी है जो वर्षों तक बीजेपी के लिए दौड़ धूप करते रहे, पार्टी पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन उन लोगों को अब दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। चलते चलते जरा यह भी जान लीजिए कि जब अशोक नगर से भोपाल रवाना हो रहे थे यादवेंद्र सिंह यादव तो भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी बीजेपी में आए हैं तब से मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, 2 साल से अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा झेलते चले आ रहे हैं, इस कारण वह कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर की राजनीति में यादव परिवार सिंधिया का दूर विरोधी रहा है, ऐसे में अब इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राहें मुश्किल होने वाली हैं। वैसे भी आंकड़े और सर्वे यह बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार ही मध्य प्रदेश में बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ सकता है, ऐसे ही कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं, राहुल गांधी का भी दावा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।